नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कक्षा 12वीं का जो आपका रसायन विज्ञान का जो पेपर है वो आपका हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको जो आपके फाइनल पेपर की है वो आंसर की बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं पूरा आपको आंसर की बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चनों की, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये कक्षा 12वीं का आपका रसायन साइंस का पेपर था। टोटल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आता है पेपर, ये आपको पता होगा ही, ठीक है। यहाँ पर टोटल प्रिंटेड पेज आपके 11+1 दिए गए हैं, ठीक है। एक आपको ब्लैंक पेज दिया गया था, टाइम आपका 3 घंटे समय रहता है, और ये मैक्सिमम जो आपका मार्क है 70 नंबर का ही आपका पेपर आया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आंसर की देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि सही विकल्प को हमको चुनकर लिखना है। शुष्क बल्ब है या क्या आयनिक क्रिस्टल है या आणविक है या धातुक है या सहज संयोजक है, ठीक है। तो दोस्तों जो शुष्क बल्ब होती है दोस्तों वो आपकी क्या होती है दोस्तों, आणविक क्रिस्टल होती है। शुष्क बल्ब क्या होती है दोस्तों, आणविक क्रिस्टल होती है। ये आपका जो क्या फाइनल एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपने इसे जरूर याद किया होगा, अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर याद किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको उसमें से आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा गया था किस यौगिक में 8:8 समन्वय संख्या पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो CHCl होता है, यानी कि जो सीजियम क्लोराइड होता है, इसकी जो समन्वय संख्या क्या होती है दोस्तों, 8:8 होती है, ठीक है। तो आपको याद कराई जाती है CHCl की, और NaCl की भी समन्वय संख्या याद कराई जाती है। दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने आपको जब IMP क्वेश्चन दिए थे ऑब्जेक्टिव, तब ये सभी क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। तो ये को आपको क्या कर लेना था, CHCl ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड दिया गया दोस्तों, रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है, यानी कि उस सॉल का नाम बताना है जो क्या कहता है दोस्तों, रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है दोस्तों, रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करता है। तो इसका दोस्तों आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिलेटिन। जिलेटिन क्या दोस्तों, एक रक्षी कोलाइड है। फिर दिया गया था कैलोमल है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, Ag2Cl2, AgCl2 या AgCl2+Ag या AgCl2+Ag, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों मेरे अनुसार ये आप अनुसार ये वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगर आपका ये आंसर कंफर्म है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैनोमल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, किस यौगिक में Oxygen+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आपका H2N की जल, Na2O, थर्ड है आपका OF2, डी नंबर का MgO। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OF2, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे नोट कर लेना है। फिर दिया गया था नायलॉन उदाहरण है, तो क्या पॉलीएमाइड का है, पॉलीथिन का है, पॉलीएस्टर का है या पॉलीसेकेराइड का है, ठीक है। तो दोस्तों जो नायलॉन जो उदाहरण है दोस्तों वो जो आपका हो जाएगा नायलॉन पॉलीएमाइड का उदाहरण हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फिर दिया गया था VII निम्न में से कौन सा प्रशांतक है, ऑप्शन है सैकोनल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मार्फिन या पैरासिटामोल। तो दोस्तों जो प्रशांतक है वो आपका हो जाएगा दोस्तों सैकोनल। सैकोनल क्या दोस्तों, एक प्रशांतक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया था, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया था, इसका आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपके रिक्त स्थान आते हैं, तो रिक्त स्थानों के आंसर भी देख लीजिए। पहला आपका दोस्तों रिक्त स्थान दिया गया था कि कुल प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो दोस्तों ये पहला आपके जो परीक्षा बोर्ड में पहला ही क्वेश्चन दिया गया था ये, ठीक है। लगभग आपके परीक्षा बोर्ड हो कैसा हो या आपके जो भी आपने लिए सभी में फर्स्ट चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन रहता है वो आपका यही रहता है कि कुल प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो कुल क्या दोस्तों, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। सेकेंड था अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खारिजतन होती है। तो जो अभिक्रिया की दर होती है दोस्तों वो अभिकारक के सांद्रण के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपको भरना था दोस्तों समानुपाती, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर दिया गया था आपका स्कंदन खारिजतन के विपरीत होता है। तो स्कंदन किसके विपरीत होता है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो स्कंदन दोस्तों आपको क्या, जो पेप्टीकरण होता है दोस्तों, पेप्टीकरण के विपरीत होता है स्कंदन। तो यहाँ पर आपको भरना था पेप्टीकरण, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा पेप्टीकरण। फिर दिया गया था फ्लोस्पार का सूत्र है। तो दोस्तों फ्लोस्पार का हमें सूत्र बताना है, तो इसका दोस्तों आंसर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, फ्लोस्पार का सूत्र, ठीक है, कमेंट में बता दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। और अगर आप सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF में आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता खारिजतन तत्व की होती है। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछी गई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक जो होती है दोस्तों वो क्लोरीन की होती है। किसकी होती है दोस्तों,
क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है दोस्तों वो सर्वाधिक होती है। फिर दिया गया था टेफ्लॉन का बहुलक है, तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है ये हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों टेफ्लॉन जो बहुलक है वो है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लिख भी देता हूँ, टेट्रा, ठीक है, उसके बाद फ्लोरो, टेट्रा फ्लोरो, फिर आपका आता है दोस्तों एथिलीन, ठीक है, एथिलीन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट दिया गया था आपका जो कि है प्यूरासिन खालिस्तान औषधि है। तो जो प्यूरासिन है किस प्रकार की औषधि है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जोड़ी मैं बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। पहला है कांच, तो दोस्तों कांच आपका क्या हो जाएगा, कांच आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। फिर दिया गया था दोस्तों आपका, इसको आपको इससे मिला देना है कि धातुमल, तो धातुमल आपको पता है सी ओ आपका क्या होता है, धातुमल होता है, यहाँ पर मिला देना डी से। फिर वर्ग समतलीय, तो वर्ग समतलीय को आपको मिला देना है एक्स ई एफ फोर से, ठीक है। फिर उदासीन लिगैंड, तो दोस्तों उदासीन जो आपका लिगैंड हो जाएगा यहाँ पर, वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, उदासीन लिगैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे, पहले देख लेते हैं स्प्रिट ऑफ वाइन, देख लेते हैं दोस्तों स्प्रिट ऑफ जो आपका दोस्तों क्या दिया गया, वाइन या आपका H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ठीक है, इससे मिलाना है। फिर दिया गया था आपका प्राथमिक एमीन, तो ये आपको हो जाएगा RNH2, ठीक है। फिर दिया गया था ग्लूकोज, तो आप सभी को पता है ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6, तो ये आपको यहाँ से मिला देना था। और एक आपको जो लास्ट बचा है उदासीन लिगैंड, तो आपको एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचा हुआ है, तो इससे आपको मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जोड़ियाँ मिलानी थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जोड़ियाँ मिला देनी थी, इससे आप मिला सकते हैं इस वाले को, लास्ट वाले को, ठीक है। ये आपकी जोड़ियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ये ऑब्जेक्टिव मैंने बताए हैं। बाकी जो आपके दो अंक के क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जब आपको डिटेल में सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। ये वीडियो जल्दी जल्दी बना रहे हैं इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है बताए नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।